वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, एवं प्रिय छात्र छात्राओं एवं नमस्कार। मैं सतीश आज की क्लास में आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। पिछले हमारे जीएस के वीडियोज आपको मिल गए होंगे। दो टॉपिक हमने कवर कर दिए हैं, एक ब्रह्मपुत्र नदी और एक जनगणना का एक लेक्चर हो गया है। सेकेंड लेक्चर वो भी आज शाम तक मैं अपडेट करके दे दूंगा आपको। गंगा पढ़ाने का टारगेट था, लेकिन गंगा के पहले गंगा का बेस, गंगा कैसे, गंगा का गंगा नाम कैसे पड़ा, किन दो धाराओं को संयुक्त रूप से गंगा बोलते हैं, इस पर डिस्कस करना बड़ा आवश्यक था। आज का मेरा टॉपिक रहेगा आपकी फेमस नदी गंगा कैसे निकलती है, कैसे इसका नामांकन हुआ। उसके पहले मैं आपसे बताना चाहूंगा आपको कि इस हफ्ते से, आज से ही मैंने एक नया काम और स्टार्ट किया है। मैं पर डे एक दो कुछ छात्रों को कॉल करूंगा, छात्र छात्रों को कॉल करूंगा। सप्ताह में एक बार मेरी कॉल आपके पास आएगी। आप सभी के नंबर मेरे पास अपडेट हैं, और जितने भी मैं लेक्चर्स दे रहा हूं, चाहे जीएस का हो चाहे मैथ का हो, मैथ में तो खैर टेलीफोनिक कन्वर्सेशन नहीं हो सकता है। हाँ ऑफकोर्स जीएस में जरूर पूछूंगा कि बॉस आपको जो मैंने लास्ट लेक्चर में ये पढ़ाया था उसमें का ये पॉइंट्स मुझे बता दीजिए क्या होगा। जैसे कल के मेरे लेक्चर में मैंने काफी अच्छे पॉइंट बताए थे। मैं कॉमन क्वेश्चन पूछ लूं कि सबसे पहले नगर पालिका भारत के किस शहर में आई थी, तो आई होप उत्तर आपको कल के वीडियोस जिन लोगों ने देखे थे उनको पता होगा। और यह क्वेश्चन अभी यूपी ट्रिपल एससी में पूछा गया था। इस तरह के क्वेश्चन मैं टेलीफोन पर आपसे पूछूंगा ताकि आपकी तैयारी बनी रहे, क्योंकि मेरा मानना है जब तक एग्जाम का बर्डन ना हो या टीचर का दबाव ना हो तैयारी नहीं होती है। पिछले एक महीने से उम्मीद करते हैं आपके जो पढ़ने का टाइम टेबल है बिल्कुल कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो गया होगा। जिस स्पीड से आप पहले तैयारी कर रहे थे वो कहीं ना कहीं बिल्कुल डाउन हो गई होगी, उम्मीद करते हैं। या जिन बच्चों ने मेंटेन कर रखी है सो गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिन लोगों ने मेंटेन नहीं कर रखी, पुनः अपने स्पीड पर वापस आप आ जाइए। मेरी कॉल किसी भी समय आपके पास आ सकती है। आप तैयार रहें बताने के लिए, जितने टॉपिक मैंने आपको पढ़ाए हैं हर समय तैयार रहिए उसमें, तभी आप अपने जिस सपने को लेकर मेरे संस्थान में या मेरे पास आए हैं आपके सपने को मैं जल्द से जल्द साकार कर सकूं। जैसा कि आपको पता होगा सुपर 33 ने सैकड़ों बच्चों को सरकारी नौकरी का उनका सपना पूरा किया है, तो आपका भी सपना जरूर पूरा होगा। चलिए दोस्तों आज का टॉपिक गंगा देखते हैं। गंगा का नाम किन दो धाराओं को मिला के लिया जाता है। इसके पहले हम सबसे पहले फोकस करते हैं कुछ हिमनद हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे टॉप पे इधर मेरा गंगोत्री हिमनद है, इसी के पैरेलल में चारों ओर हिमनद है, और इधर लास्ट में हमारा सतोपंत हिमनद है। गंगोत्री हिमनद से एक नदी निकलती है जिसका नाम है जानवी नदी। जो धारा निकलती है उसको बोलते हैं हम जाह्नवी। उसी से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, हम नीचे की ओर बढ़ते हैं, तो ये गंगोत्री हिमनद से नीचे पड़ती जगह गोमुख। इस गोमुख के ठीक बाद ये भी एक प्रकार का हिमनद है। गोमुख के पास गोमुख स्थान है, गंगोत्री मेन हिमनद है। जगह जो आपकी गोमुख है, इसी गोमुख से इस नदी का नाम बदल के हो जाता है भागीरथी नदी। इस नदी का नाम हो जाता है भागीरथी। मीन्स जब गंगोत्री हिमनद से चली थी तब इसको किस नाम से जाने थे हम, जाह्नवी नदी के नाम से। जैसे एक और हिमनद मिलता है, कौन सा, गोमुख नामक स्थान के पास से एक धारा और इसमें कह लो मिलती है, जो इसका इस हिमनद से पिघल के से मिलता होगा जब दोनों आपस में चलते हैं, तो यह ना जानी जाती है भागीरथी के नाम से। अब ये आगे भागीरथी के नाम से ही चलेगी यहां तक, फिर आगे चेंज होगा इसका नाम। तो दोस्तों थोड़ा आगे बढ़ने के बाद इसमें एक बड़ी फेमस नदी कौन सी, विलंगाना। कहीं कहीं विलंगाना है, कहीं कहीं विलंगाना है। विलंगाना नदी, अगर नदी ऊपर से आ रही है तो उम्मीद करते हैं आपको पता होगा ये हमारा बाई तरफ से, बाई तरफ से इसमें आने वाली इसकी सहायक नदी विलंगाना इसको आके मिलती है, और जहां पे मिलती है उस जगह को जाना जाता है गोविंद प्रयाग के नाम से।
उस जगह को जाना जाता है गोविंद प्रयाग के नाम से। और दोनों जहां मिलती हैं यहीं पर आपका भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी परियोजना का निर्माण किया गया था। और इसी टिहरी परियोजना के निर्माण के ही कारण चिपको आंदोलन स्टार्ट हुआ। क्यों? जब टिहरी परियोजना स्टार्ट की गई तो कहीं ना कहीं वनों को काटा गया। वनों की कटाई पर रोक लगाने के लिए वहां के लोगों ने और महिलाओं ने प्रयास किया और लोग पेड़ों से जाके चिपक जाते थे ताकि उस पेड़ों पे आराम से न चलने पाए और पेड़ कटने ना पाए। इसीलिए आंदोलन का नाम पड़ा चिपको आंदोलन, जो किसके लीडरशिप में सुंदर लाल बहुगुणा का नाम आपने जरूर सुना होगा। तो यह क्वेश्चन 3 से 4 बार आ चुका है। चिपको आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? सुंदर लाल बहुगुणा। परियोजना कौन सी थी? वो टिहरी परियोजना थी। और भारत की सबसे ऊंची परियोजना कौन सी है? टिहरी परियोजना है। इसकी हाइट लगभग 261 मीटर है। तो ये फैक्ट क्लियर। और ये कहां पड़ता है? टिहरी जिले में। टिहरी यहां पे जिला है। ये देखिए हमने बनाया हुआ है, फिगर आपको दिख रहा होगा। इतने पॉइंट्स हमारे क्लियर हो गए। और ये कहां पड़ेगा? उत्तराखंड। ये कहां पड़ेगा? उत्तराखंड। और उत्तराखंड से अक्सर एक क्वेश्चन आता है, एक दो क्वेश्चन आते हैं, जैसा कि हमने आपको इसके पहले भी कहा कि अगर मैं गंगा पढ़ा रहा हूं तो आप गंगा तक ही सीमित ना रहे, उसके आसपास जहां भी कवरिंग मिलता है उन क्वेश्चन को कवर करिए। जीएस को करेक्ट करके पढ़ेंगे तो जीएस आपकी एक दिन बहुत अच्छी हो जाएगी। बात उत्तराखंड की कर ले, हम यहाँ उत्तराखंड में इस समय चल रहे हैं, तो उत्तराखंड के 8-10 पॉपुलर क्वेश्चन को डिस्कस करना चाहेंगे। आपने सुना होगा यहां पर नंदा देवी, यही पड़ेगा। भारत का सबसे पहला उद्यान जो आया है जिम कॉर्बेट, भी आपका यही पड़ेगा। कई बार पूछा गया कि सबसे पुराना कौन सा है? जिम कॉर्बेट है। कहां है? उत्तराखंड में है। किस नदी के किनारे है? तो आपका वह पड़ेगा राम गंगा नदी के किनारे पड़ेगा। इसके अलावा उत्तराखंड फूलों की घाटी, फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा राजाजी पार्क, राजाजी पार्क वो भी कहाँ? आपके उत्तराखंड में है। तो ये सब आपके उत्तराखंड में इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जो पूछे जाते हैं परीक्षा के। इससे उत्तराखंड में और जाएंगे तो नैनीताल, जितने ताल तलैया टाइप के झीले हैं वो सब कहां पड़ेंगे? आपके नैनीताल। नकुचिया ताल, नैनीताल, सरकुसिया ताल, ये सब कहां पड़ेंगे? आपके उत्तराखंड में पड़ेंगे। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब देखिए ये धारा यहां से आने के बाद यहां पहुंचे हम, थोड़ा और आइए इधर, यहां चारों ओर ग्लेशियर है, यहां से आपकी निकल रही मंदाकिनी, और मंदाकिनी के किनारे ही बसा हुआ आपका फेमस प्लेस केदारनाथ। अक्सर लोग दर्शन के लिए यहां जाते हैं, क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है केदारनाथ किस नदी के किनारे है? तो दोस्तों केदारनाथ आपका मंदाकिनी नदी के किनारे बसा हुआ है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इसको यहीं रोकिए। अब इधर की धारा आने दीजिए क्योंकि ये इसकी सहायक बनेगी। इधर से आ रही तो ऊपर का हमारा दायां होगा, नीचे हमारा बायां होगा, तो दाहिनी ओर से मिलने वाली नदी मंदाकिनी, लेकिन किसमें? ये हमारी इधर से बड़ी फेमस नदी निकल रही है जो पेपर में कई बार पूछी गई है। पेपर में इस नदी को 2 से 3 बार पूछा गया और इसका बड़ा फेमस नाम है अलकनंदा। सो दोस्तों ये जो आपकी धारा इधर से आ रही है ये आपकी है अलकनंदा। ये अलकनंदा है आपकी इधर से आने वाली। अलकनंदा का अगर हम उद्गम स्थल की बात करें तो सबसे ऊपर इधर बैठा हुआ है सतोपंत हिमनद। इसी सतोपंत हिमनद से अलकनंदा आपकी निकलती है। जब अलकनंदा निकलती है तो उसकी बाईं तरफ से आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे मेरे सबसे ऊपर माना हिमनद है, और माना हिमनद से आपकी नदी निकलती है धौली गंगा। एक चीज बताना चाहूंगा, ऊपर ही इसी के किनारे अलकनंदा के किनारे बसा हुआ फेमस प्लेस है बद्रीनाथ। तो क्वेश्चन पूछता है कि बद्रीनाथ किस नदी के किनारे है? तो अलकनंदा। अब बड़ा कंफ्यूजन होता है केदारनाथ किससे किनारे है, बद्रीनाथ किससे किनारे है। एक ऐसा तरीका बता रहा हूं कि आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। आपको जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं उसमें ऑप्शन दिए जाते हैं आ बा सा दा, आ बा सा दा, इनको एक कॉम्बो पैक बनाइए। आ आ फॉर अलकनंदा एंड बा फॉर बद्रीनाथ। आ बा मतलब जहां
जहां आ होगा वहां बा होगा, जहां अलकनंदा होगी वहां क्या होगा बद्रीनाथ होगा। एक कंफ्यूजन खत्म। तो 100% बचा कौन? केदारनाथ। तो केदारनाथ कहां होगा? मंदाकिनी के किनारे होगा। आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं तो देखिएगा, माना हिमनद, माना दर्रा भी है। उत्तराखंड के तीन दर्रे बड़े फेमस हैं, एक आपके सामने माना, माना हिमनद भी है, माना लिप लेक, और एक और है नीति दर्रा। इसका भी मैं बता दूंगा क्या तरीका है, उत्तराखंड में और डिस्कस करेंगे हम आपसे। माना हिमनद से धौली गंगा निकली, जहां पर धौली गंगा आके आपकी इस अलकनंदा से मिलती है वह स्थान जाना जाता है विष्णुप्रयाग के नाम से। तो क्वेश्चन पूछ सकता है विष्णुप्रयाग कब बनता है? जब अलकनंदा में आपके आके धौली गंगा मिलती है तो आपका विष्णुप्रयाग बनता है। थोड़ा और अलकनंदा, तो फिर आगे धारा बढ़ती है और आगे बढ़ने के साथ ही अलकनंदा के नाम से ही जानी जाती है। फिर इस अलकनंदा में, ये अलकनंदा ही चल रही है, इधर से नंदाकिनी आके मिलती है, और नंदाकिनी कहां से निकलती है? त्रिशूल हिमनद से निकलती है। और नंदाकिनी ना से नंदाकिनी ना से नंदप्रयाग, जब नंदाकिनी आके मिलती है तो आपका बनता है दोस्तों नंदप्रयाग। और फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, धारा और आगे बढ़ती है, अलकनंदा के नाम से ही बढ़ेगी, तो नीचे से इसमें आके एक मिलती है पिंडार गंगा। पिंडार गंगा की धारा मिलती है, वो कहां से निकलती है? पिंडारी हिमनद से निकलती है। वैसे ये अगर आप नहीं याद कर रहे हैं किस हिमनद से निकल रही है, ये इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, तो इसको आप छोड़ सकते हैं। हाँ, केवल धाराओं के नाम पता होना चाहिए कि कौन से आके मिलती है, पिंडार। पिंडार इसमें मिलती है तो इसमें बनता आपका कर्णप्रयाग। अब यही आपकी फिर अलकनंदा आगे बढ़ती है, ये अलकनंदा आपकी आगे आ रही दोस्तों, और इसी अलकनंदा में ऊपर से आपकी मंदाकिनी आके मिलती। और जब मंदाकिनी और अलकनंदा दोनों मिलते हैं तो ये देखिए ट्रायंगुलर मैंने बनाया हुआ है, यह प्लेस रुद्रप्रयाग के नाम से जाना जाता है। तो यह क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, रुद्रप्रयाग जो जगह है वो किन दो धाराओं का मिलन स्थल है? तो दो धाराएं वो कौन सी हैं? एक मूल धारा अलकनंदा है और ऊपर से आने वाली मंदाकिनी है। फिर ये अलकनंदा के नाम से ही नदी आगे बढ़ेगी, ये पुनः अलकनंदा है, ये अलकनंदा इधर से, और इधर से कौन सी आ रही दोस्तों? भागीरथी। और इन दोनों की सम्मिलित धारा, इन दोनों की सम्मिलित धारा ही ये आपकी गंगा कहलाएगी। तो दोस्तों इन दोनों की सम्मिलित धारा ही आपकी गंगा कहलाएगी, और फिर यह गंगा आगे की तरफ बढ़ जाती है। यह गंगा उत्तराखंड से होते हुए उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश से होते हुए पुनः अगला बिहार, और बिहार से फिर झारखंड, और झारखंड से फिर पश्चिम बंगाल। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंगा किन किन राज्यों से होके गुजरती है, और सबसे छोटी सीमा कहां बनाती है? तो सबसे छोटी, ये जो सबसे कम बहती है आपके झारखंड में, महज 40 किलोमीटर। तो वो हम भी जब गंगा का फ्लो चार्ट लेंगे तो वहां आपको हम बताएंगे दोस्तों। चलिए, अब यह एक हमारा पार्ट खत्म होता है। अब मोस्टली ये सारा वर्कआउट हमने किस राज्य में किया है? उत्तराखंड में किया है। तो उत्तराखंड आपके लिए जानना बड़ा आवश्यक है। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से ही टूट के बना हुआ राज्य है। नेक्स्ट, यहां से अभी तक जो क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं, राजा जी पार्क आपको याद होगा, उम्मीद करते हैं। इसके अलावा यहां के कुछ दर्रों की अगर हम बात कर लें तो कुछ दर्रों में एक बड़ा अच्छा मैं आपको शॉर्टकट दे रहा हूं, कभी नहीं भूलेंगे, ये वो याद कर लीजिए, नीलिमा। ये उत्तराखंड के तीन फेमस दर्रे हैं, यही पूछे जाते एग्जाम में। माफ और माना एंड फॉर नीति एंड ली फॉर लिपुलेक। ये तीन दर्रे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते उत्तराखंड के हैं। इसके अलावा जितनी ताल तलैया टाइप की झीलें आएंगी सब आपके उत्तराखंड में होंगी। फूलों की घाटी पेपर में बहुत पूछी गई है। बाकी मैंने आपको बता ही दिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, आपका बद्रीनाथ किसके किनारे है? अलकनंदा, ये क्वेश्चन बहुत पेपर में आया हुआ है। केदारनाथ किसके किनारे है? मंदाकिनी, ये क्वेश्चन आया हुआ है।
कौन कौन सी दो धाराएं मिलकर गंगा बनती हैं? अलकनंदा एंड भागीरथी, ये पूछा गया क्वेश्चन। इन दोनों को उद्गम स्थल पूछे, अगर गंगा का तो यही आपका गंगोत्री बता सकते हैं आप। इसके अलावा बाकी क्वेश्चन जो बहुत डीपली क्वेश्चन जाएंगे तो वो जाएंगे बीईओ स्तर पे जाएंगे, यूपीपीएससी स्तर पे जाएंगे, वनडे स्तर पे, बैंक, एयरफोर्स, रेलवे, आप कोई एग्जाम बॉस दे रहे हैं, बस इतना ऊपर ऊपर इस पे पूछा जाता है। या टिहरी बांध किस राज्य में है? आप देख सकते हो उत्तराखंड में है। किस जिले में है? टिहरी जिले में है। क्या खास बात है? मैक्सिमम हाइट का है। या यहां का चिपको आंदोलन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो दोस्तों आज का लेक्चर मेरा इतना ही, नेक्स्ट वीडियो आपको डेमोग्राफी का सेकेंड पार्ट आज शाम तक मैं कहीं ना कहीं कोशिश करूंगा कि अपलोड कर दूंगा, तो इतना पार्ट आप तैयार कर ले। जय हिंद, जय भारत।